अब ये तो हमारा डिटेल मेथड था, अब हम जो है ना शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे इस क्वेश्चन की. नाउ वी हैव टोटल वर्क Now what the question says? Question says A left the work after 20 days. That means A left the work 4 days before completion and B worked extra for 2 days as B worked for 26 days. This means 4 day work of A should be equal to 2 days work of B. So here we can get the efficiency ratio of A and B. That is 2/4 or is equal to 1/2. हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ए और बी 24 दिन में काम पूरा करते हैं, लेकिन ए जो है काम को 20 दिन बाद छोड़कर चला गया. इसका मतलब ए ने जो काम जो है 24 दिन में पूरा होना था, लेकिन ए ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया और काम जो है 26 दिन में पूरा हुआ. इसका मतलब क्या हुआ कि बी ने 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया. तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं कि जो 4 डेज वर्क है ए का वो 2 डेज वर्क जो है बी का इक्वल है. हमने वर्क को इक्वल कर दिया तो इससे हमें एफिशिएंसी रेशियो मिल गया ए और बी का, दैट इज 1:2. अब हम फिर क्या करेंगे, हम टोटल वर्क निकाल लेंगे. टोटल वर्क क्या होगा, दोनों की एफिशिएंसी को ऐड किया, 24 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि नंबर ऑफ डेज है, तो टोटल वर्क कितना आ गया 72. और हमें ये 72 वर्क किससे करवाना है, ए से करवाना है, तो हमने 72 को डिवाइड कर दिया एफिशिएंसी से 1 की, तो हमें नंबर ऑफ डेज मिल गए जिसमें ए काम को कंप्लीट करेगा. ये शॉर्ट ट्रिक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज ऑल्सो सेम एज प्रीवियस वन. P plus Q can complete a work in 30 days if they start work together after 23 days Q left the work and the whole work is completed in 33 days. In how many days P alone can complete the work? ये question बिल्कुल same है last question की तरह. हमें बताया गया है P और Q किसी काम को मिलकर 30 दिन में पूरा करते हैं. उन्होंने साथ में काम शुरू हुआ किया, लेकिन क्या हुआ 23 दिन बाद क्यू जो है काम को छोड़कर चला गया और जो पूरा काम है वो 33 दिनों में पूरा हुआ. हमें ये बताना है कि पी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा. नाउ कम टू द सॉल्यूशन, वी विल सॉल्व इट विद शॉर्ट ट्रिक्स. सो टोटल वर्क पी प्लस क्यू कंप्लीट करते हैं 30 डेज में. अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उन्होंने काम साथ में शुरू किया लेकिन 23 डेज बाद क्यू लेफ्ट द वर्क. दैट मीन्स क्यू लेफ्ट द वर्क 7 डेज बिफोर कंप्लीशन एंड पी वर्कड फॉर 3 डेज. पी वर्कड फॉर 3 एक्स्ट्रा डेज. दैट मीन्स 7 डेज वर्क ऑफ क्यू शुड बी इक्वल टू 3 डेज वर्क ऑफ पी. हेयर वी गेट द क्यू बाई पी रेशियो, दैट इज 3/7 and this is the efficiency of Q and P. Now what we have to find, we have to find total work adding the efficiency of P and Q multiplied with the number of days in which P and Q complete the work. We get the total work, that is 300. Now we have to find in number of days in which P alone can complete the work. Now the total work is 300 dividing this work with the efficiency of P, that is 7. We get the number of days in which the work is completed by P, that is 42:6/7 days. I repeat the question. हमने क्या किया, हमें पता है कि जो Q है वो काम खत्म होने से 7 दिन पहले काम छोड़कर चला गया और P ने जो है जो काम जो पूरा हुआ 33 दिन में पूरा हुआ. इसका मतलब P ने जो है 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया. तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि 7 डेज वर्क जो है क्यू का वो 3 डेज वर्क जो है पी का उसके इक्वल है. अब हमने यहाँ से क्यू और पी का रेशियो निकाल लिया, दैट इज 3/7. अब जो हमने टोटल वर्क निकाला, हमने क्यू और पी की एफिशिएंसी को ऐड किया और नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें टोटल वर्क मिल गया. अब हमें ये बताना है ये टोटल वर्क जो है पी कितने दिन में पूरा करेगा. टोटल वर्क को हमने पी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया तो हमें नंबर ऑफ डेज मिल गए जिसमें जो है हमारा काम पूरा हुआ. Now this question is also same as that of previous one. A man and a boy together can do a work in 24 days.
If in last 6 days only man do this work, then the work is completed in 26 days. Then find in how many days boy alone can complete this work. क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक आदमी और एक लड़का काम को 24 दिन में पूरा करते हैं. अगर जो अंतिम 6 दिनों में सिर्फ जो है आदमी ने काम किया हो और जो काम जो है हमारा 26 दिन में पूरा हुआ, हमें ये बताना है कि लड़का जो है अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा. नाउ कम टू द सॉल्यूशन. Now the total work is done by man and boy in 24 days. Now अब हमें question में ये बताया गया है कि last के 6 days जो है सिर्फ man ने काम किया और जो काम है 26 days में पूरा हुआ. काम जो है 24 days में पूरा होना था लेकिन जो काम है वो हमारा 26 days में complete हुआ. That means the man worked for extra 2 days. And this also means we left the work 4 days before completion of work. We ने जो है 4 दिन पहले काम छोड़ दिया काम शुरू होने से, क्योंकि काम जो है 24 दिन में पूरा होना था और लास्ट के 6 days जो है मैन ने काम किया. और मैन ने कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया? 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया. इसका मतलब क्या कहते हैं, बॉय ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया. That means 4 days work of boy, that should be equal to 2 days work of man. So here we get the efficiency ratio of boy and man, that is 1:2. Now we will find the total work. Adding the efficiency of man and boy, that is 2 plus 1, and multiplying with the number of days in which the work can be completed by man and boy if they are working together. Now the total work is 72. Now what we have to find, we have to find in how many days work can be completed if boy does it alone. So dividing this total work with the efficiency of boy, that is 1, we get the number of days in which the work is completed by boy, that is 72 days. I repeat the question. हमें पता है कि अगर आदमी और लड़का दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो काम जो है 24 दिन में पूरा होता है. तो अब हमें ये बोला गया है काम जो है 26 डेज में पूरा हुआ और जो लास्ट के जो 6 दिन थे ना उसमें मैन ने काम किया, लेकिन काम तो 24 डेज में पूरा होना था. इसका मतलब क्या हुआ कि मैन ने 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया और बॉय ने 4 दिन पहले काम शुरू खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 4 डेज वर्क है बॉय का वो 2 डेज वर्क जो है मैन के इक्वल हुआ. इससे हमें एफिशिएंसी मिल गई बॉय की और मैन की, दैट इज 1:2. अब हमने टोटल वर्क निकाल लिया, एफिशिएंसी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ डेज में जिसमें वर्क कंप्लीट होता है, तो हमें टोटल वर्क मिल गया. अब टोटल वर्क को हमने डिवाइड कर दिया एफिशिएंसी से, किसकी, बॉय की, क्योंकि हमें ये बताना है कि बॉय अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा. तो हमें नंबर ऑफ डेज मिल गए जिसमें हमारा काम पूरा हुआ. Now the next question is, A starts a work and left after 4 days and remaining work is done by B in 18 days. If A left the work after 6 days, then B complete the remaining work in 12 days. In how many days A and B can complete this work individually? ये question भी same है last question की तरह, बस हमने statement में changes किया है data को. एक स्टार्ट करता है किसी काम को और 4 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है और जो रिमेनिंग वर्क है जो है बी कंप्लीट करता है 18 डेज में. अगर ए जो है काम को 6 दिन बाद छोड़कर जाता है तो बी जो है रिमेनिंग वर्क को 12 डेज में पूरा करता है. हमें बताना है कि दोनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे. तो इस मेथड को हम शॉर्टकट मेथड से ही सॉल्व करेंगे. Right, A and B. A left the work after 4 days and remaining work is completed by B in 18 days. If A left the work after 6 days, then remaining work is completed by B in 12 days. That means when A is increasing number of days by 2, then B is decreasing number of days by 6. That means 2 days work of A must be equal to 6 days work of B. So here we get the efficiency ratio of A and B, that is 6:2 or 3:1.
Now, what we have to find? We have to find total work. Now, total work is multiplying the number of days A worked with the efficiency of A, that is 3. Similarly, for B, number of days multiplying with the efficiency of B, that is 1. We get the total work, that is equal to 30. Now, A will complete this work in 10 days, dividing total work with the efficiency of A, and B will complete this work in 30 days, dividing the total work with the efficiency of B, that is 1, that is 30 days. So, I repeat the question. हमने क्या किया, हमें बताया गया है कि A ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया और remaining work जो है B ने 18 दिन में पूरा किया. और दूसरे स्टेटमेंट में बोला है अगर A काम को 6 दिन बाद छोड़कर जाता है तो B उस काम को 12 दिन में पूरा करता है. इसका मतलब जब A 2 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो B को 6 दिन कम काम करना पड़ता है. इसका मतलब जो 2 दिन का काम है A का वो B के 6 दिन के काम के इक्वल है. तो हमने A और B की यहां से एफिशिएंसी रेशियो निकाल ली जो कि 3:1 आ गई. तो अब हमने क्या किया, टोटल वर्क निकाल लिया. अगर A ने 4 दिन काम किया है तो उसको 4 A की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही B की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई किया तो हमें टोटल वर्क मिल गया. टोटल वर्क कितना आया, 30. अब A जो है काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 10 डेज में पूरा करेगा, और B जो है 30 डेज में पूरा करेगा.